राजस्थान के अलवर से, जहां दर्जनों गांव में टाइगर का टेरर है। पहले आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं, ये तस्वीर एक जेसीबी की है। जेसीबी खेतों के बीच से जा रही है और इसी जेसीबी पर कुछ लोग चढ़े। बताता हूं कि लोग इस पर क्यों हैं। ये कहीं खुदाई करने नहीं बल्कि अपनी जान का डर इनको है, जान बचाने के लिए चढ़े हैं उस बाग से जो अलवर के दर्जनों गांव में खौफ का पर्याय बना हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकलकर टाइगर ST-2303 जिसका नाम रखा गया, वो लोगों पर हमला कर रहा है। गुरुवार को अलवर के मुंडावर क्षेत्र में बाघ ने खेतों से निकलकर तीन लोगों पर हमला किया, घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम टाइगर को पकड़ने के लिए पहुंची है और बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि बाघ मिल नहीं पा रहा। वन विभाग की टीम को खेतों में बाघ के पैरों के निशान तो मिले लेकिन बाघ का कोई संपर्क नहीं मिला, कोई निशान नहीं मिला। बाघ को अलवर के अहिर भगोला और सामदा के खेतों में देखा गया लेकिन इसका खौफ दूसरे गांव में फैल गया है और डर इतना कि लोगों में दिन में भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। ऐसा नहीं कि टाइगर पहली बार सरिस्का से निकलकर आया, इसके पहले भी इस बाघ ने दहशत फैलाई है। 7 महीने पहले यही बाघ सरिस्का से निकलकर रेवाड़ी गया, उस वक्त हरियाणा बॉर्डर के पास इसने वनकर्मी पर अटैक भी किया जिसके बाद बाघ वहां से गायब हो गया। लोग डरे हैं, उनको नहीं पता कि आतंक कब खत्म होगा। वन विभाग की टीम गांव में है लेकिन बाघ नहीं मिल रहा। जी मीडिया की टीम भी उस गांव पहुंची जहां टाइगर का टेरर साफ देखा जा रहा है। अलवर के जाट भोगल गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो टीम है उनको जानकारी मिली है कि जो टाइगर है वो यहीं आसपास छुपा हो सकता है, जिसको लेकर के यहां पर जो टीम है वो निकल रही है सर्च करने के लिए। ऐसे ही खेत में जो टाइगर है वो छुपा हुआ है और जब उसे मौका मिलता है तो वो लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और इसी तरीके से पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी जो टाइगर है उसे पकड़ा जा सके। जो जानकारी मिल रही है कि जो टाइगर है उसका जो फुटप्रिंट्स जैसा कुछ दिख रहा है, अब ये देखना होगा कि आखिरकार में ये उसी टाइगर का फुटप्रिंट्स है या कुछ और है। पहले सुना था साहब, बिल्कुल भी एक बार और भी आया था पहले। और आप अटैक करे सुबह कल 5 बजे एक उतर का आया था बासनी का, उसके साथ अटैक करा, वो बेचारा निहाल का घर के वहाँ कूद गया। अभी माहौल बहुत ख़राब है, अभी से कोई बच्चे भी नहीं निकल रहे घर से बाहर और ना ही लेडीज खेतों में जा पा रहे हैं, कोई भी सब अपने घर में बैठे हुए हैं। सब दहशत में है कि घर से बाहर निकलने में बहुत वो परेशानी हो रही है उनको भी। प्रशासन है वो कड़ी मशक्कत के साथ में उस टाइगर को पकड़ने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। लगातार उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है, जो कि उसके फुटप्रिंट्स हैं उसके जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, अलवर। जी न्यूज़।